पंचमी अष्टमी एकादशी प्रदोष शिवरात्रि अमावस्या पूर्णिमा इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर बन सके उन दीहे को लंबी बाती का। कौन सी बाती का चम के बोलो जरा, लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण कर। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये 7 तिथियां। फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप व्रत के घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संयोग पर ही होता है, बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम दो लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन से, तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर, डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें, महाराज घर के बाहर अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो
ईश्वर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो, तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज। वो रोगीला नहीं रहता, रोग से ग्रस्त नहीं रहता, दवाई गोली उसकी छूटती है। कभी ये डॉक्टर को दिखा लो, कभी वो डॉक्टर को दिखा लो, कभी यहाँ दिखाओ, कभी वहां दिखाओ, उसे छुटकारा मिलता है। पर का संवाद कर शिव तत्व कर तीन जगह पर नारी को पवित्रता का भाव वर्णित कर। अब जितनी माताएं बैठी हैं वो भी मुख से बोलेंगी, पहला स्थान कौन सा बताया? बच्चा जब छोटा है, गोदी में है, वो बच्चा गंदगी भी कर रहा है तो भी नारी पवित्र। दूसरा स्थान कौन सा बताया? पति की सेवा अगर पत्नी कर रही है, पति सेवा में लगी है तो वो पवित्र। तीसरा स्थान कौन सा बताया? घर के बुजुर्ग माता पिता सास ससुर की सेवा में लगी है